हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सिविल केसेस में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो वो कैसे होती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल नंबर 133 दिया हुआ है, उसमें बता रखा है कि सिविल केस में अगर आपको अपील करनी है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के डिक्री से, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बता रखा है अपील जो कि सुप्रीम कोर्ट में होगी वो या तो किसी जजमेंट या किसी डिक्री या किसी फाइनल ऑर्डर पे होगी जो कि सिविल प्रोसीडिंग का, सिविल ज्यूरिसडिक्शन का या सिविल नेचर का होगा, और जो कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर आप अपील करना चाह रहे हैं सिविल मैटर में तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता ज़रूर है, जो कि सर्टिफिकेट आर्टिकल 134A के अंदर दिया हुआ है। 134A जो आर्टिकल है वो 1978 में ऐड हुआ था, इंसर्ट हुआ था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर हाई कोर्ट आपको जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक आप अपील नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई कर देगा, उसके बाद ही आप अपील में जा सकते हैं। तो अगर आप सिविल नेचर के केस में अपील में जाना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल 133 बना रखा है। आर्टिकल 132 था जो अपना जो पहले देख चुके हैं, उसमें भी बात की है कि सिविल हो, क्रिमिनल हो या अदर ज्यूरिडिक्शन, जैसा भी मैटर है उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन ये 133 जो है स्पेसिफिक बात कर दी। तो जब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास है तो वो प्रिवेल करता है। तो सिविल के लिए, सिविल ज्यूरिडिक्शन के लिए आप अपील में जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 134 जो है उसमें सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट जो है उसके दो ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 134A के अंदर ही लिखे हुए हैं। पहला कि एक तो भाई सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और वो जनरल इम्पोर्टेंस का होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हाई कोर्ट को खुद को ही लगता है कि इस पॉइंट को तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे तो वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है, और वो डिटरमाइन करता है कि ये क्या जनरल इम्पोर्टेंस का है और सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं। तो बात आती है सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा ऐसा पॉइंट, ऐसी चीज़ जिससे दोनों पार्टीज़ के जो राइट हैं वो अफेक्ट होते हैं। एक केस में दो पार्टी होगी, दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, तो दोनों पार्टीज़ के ही जब राइट इफेक्ट होते हैं तो वो हो गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आप अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसमें सर्टिफाई कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट के ऊपर है, वो डिटरमाइन जैसा करता है। तो अब आर्टिकल 133 में यही बात लिखी है कि सिविल नेचर के केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। दूसरी चीज़ ये है कि केस जो है आपका वो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का होना चाहिए। सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि जहाँ पे पार्टीज़ के राइट इफेक्ट हो, ऐसा कोई ग्राउंड है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो ही वो चीज़ है। तो पहली चीज़ है एक तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। दूसरा, इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास केस आया है, इसका जो डिसीजन है ना वो सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बढ़िया दे सकता है, क्योंकि हम जो डिसीजन दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है एम्बिग्यूटी हो, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो हम इस डिसीजन को इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, जो डिसीजन, जो केस है, इसको हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफ़र कर देते हैं कि भैया हम तो ये डिसाइड करके देते हैं, हमारा फाइनल ऑर्डर तो ये है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको डील करता है। तो ये है आर्टिकल 133। इसमें जो आगे बात करिए क्लॉज 2 में वो लिखा हुआ है कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसमें एक तो आपको मेंशन ही करना है कि एक तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, दूसरा ये जो है अगर हाई कोर्ट बता देगा कि ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने वाली चीज़ है तो वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने वाली चीज़ हो जाएगी, तो वो आप लिख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, और सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा अपील के टाइम। इसमें एक चीज़ जो है वो सब क्लॉज 2 में जो दे रखी है वो दे रखी है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है वो हाई कोर्ट ने गलत किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविज़न है, आपने अपील लगाई सिविल नेचर की, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविज़न की रिगार्डिंग आपने अपील लगाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ऐसा लिखा है, और उस मैटर में अगर आपको लगता है कि कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ गलती है, कोई रॉन्गली चीज़ डिसाइड हुई है, तो आप जो अपील फाइल करेंगे उसमें ये चीज़ पूरी पूरी लिख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है इसने कॉन्स्टिट्यूशन का रॉन्गली इंटरप्रिटेट किया है, इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत किया है, तो उसको भी आप एज अ इशू बना के अपील में डाल सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसमें ये है कि अगर सिविल केस के नेचर में सिविल केस है और हाई कोर्ट का कोई एक सिंगल जज उस केस का डिसीजन दे देता है तो उसमें अपील फाइल नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट में। मतलब क्या है, आपने सबसे पहले आपका केस गया था लोअर कोर्ट में, वहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब डिसाइड हुआ उसके बाद आपने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी, हाई कोर्ट में जब आपने अपील फाइल करी तो हाई कोर्ट में जो सुनने वाला था वो एक जज था, सिंगल जज ने आपके केस को सुना,
तो सिंगल जज ने अगर आपके केस को सुना है तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, जब तक कि पार्लियामेंट आपको कोई लॉ से गवर्न करती हो कि पार्लियामेंट ने कह दिया हो कि नहीं इस कानून के तहत चाहे सिंगल जज भी डिसीजन दे रहा हो तो भी अपील होगी, तो वहाँ पे एक्सेप्शन है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल जज हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है तो उस अपील, उस केस को आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होगी। तो जनरली आप देखते होंगे जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो हमेशा डबल बेंच में होते हैं, 2 जज 3 जज 4 जज 5 जजेस की बेंच होती है, तो इसीलिए वो होता है कि जिससे आप अगर अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं। बाकी जनरली डबल बेंच में होता है, और बाकी अगर एक सिंगल पर्सन ने जजमेंट दे दिया है या ऑर्डर दिया है या डिक्री दी है हाई कोर्ट के, तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल नंबर 132 सिविल केसेस में कैसे अपील होती है। थैंक यू।